मेरा पीरियड नहीं आ रहा है, क्या होगा, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, पर आ क्यों नहीं रहा है? किसी को बताने से तो अच्छा है चुप ही रह जाए, पता नहीं लोग जानेंगे, मम्मी जानेगी तो 10 सवाल करेगी, फिर कहेगी डॉक्टर के पास चलो, फिर कहेगी ये दवा ले लो वो दवा ले लो, 10 इन्वेस्टिगेशन करा लो, सारे लोग जानेंगे। नहीं 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 सब सवाल, इतने सारे सवाल मैं नहीं सह सकती, इससे तो अच्छा है चुप ही बैठ जाए, इंतजार करते हैं कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। नमस्ते। ऐसे कई सारे सवाल जो एक लड़की के मन में उठते हैं, आप समझ ही गए होंगे आज मैं पीरियड्स पे बात करूंगी। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था मेंस्ट्रुएशन पे, आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी देखेंगे और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएंगे। पीरियड्स बेसिकली होता क्या है, महिलाओं में 10 साल की उम्र के बाद कभी भी, यूजुअली 10 to 14 ईयर्स में पीरियड्स हो सकते हैं, जिसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के साथ पेन होते हैं, वीकनेस होता है, ये सब नॉर्मल बातें हैं। तो जैसे ही आप उस स्टेज में गुजरते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसको सेक्सुअल डेवलपमेंट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि महिलाओं में ही होता, पुरुषों में भी ऐसा होता है, उनमें अलग हार्मोन होता है, लेकिन आज मैं पीरियड्स पे बात करूंगी। जो पीरियड की 28 डेज की साइकिल है उसमें होता क्या है बॉडी में, फर्स्ट और सेकेंड डे ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग का मतलब क्या है, कैसी ब्लीडिंग है, ये मैं बताऊंगी। आप समझिए कि हमारे बॉडी में, यहाँ पे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, छोटा सा होता है, वहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कंट्रोल करता है। जब ज़्यादा होगा तो उस पर इनहिबिटरी सिग्नल लगेंगे, जब कम होगा तो उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा, तो ये उसका कंट्रोल मैकेनिज़्म है। तो हमारी बॉडी में जब फर्स्ट और सेकेंड डे ऑफ पीरियड होता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है, तो उसमें 5 दिन के पीरियड में सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग आपको इस दौरान होगी, ये नॉर्मल सी बातें हैं। हो सकता है इसके साथ कुछ क्रैम्प्स हो एब्डोमेन में, या फिर आपको लोअर बैक एक हो, तो इस दौरान आप अपना ख्याल रखें, आयरन की गोली लें, और आयरन कंटेनिंग जो भी फूड आइटम्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में लें। अपना ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन 1-2 दिन में एस्ट्रोजन का बॉडी में लेवल सबसे कम होता है, यहाँ से एस्ट्रोजन पीक पे जाना शुरू होता है। तो जब 3 से 5 दिन होगा तो धीरे धीरे ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी, और 5वें दिन में तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाना है उसको। लेकिन 5 दिन के बाद जैसे जैसे धीरे 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 एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा बॉडी में, आपका मूड इन्हांसमेंट होगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। ये सारी चीज़ों के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। आप कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, कोई नया काम करने में आपको इंटरेस्ट आएगा। फिर जब एस्ट्रोजन का पीक होता है तो वो होता है 14th डे ऑफ योर ओवुलेशन, वहाँ पे ओवुलेशन होगा। तो ये तो ओवरी की बात हुई कि 14th डे में वहाँ से ओवुलेशन हुआ। आपको पता है हमारे बॉडी में कितने ओवरीज हैं? चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने ओवरी होते हैं हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी में ओवरी से ओवम निकलता है, एक ओवम डोमिनेंट स्टेज में चला जाता है, और उसी ओवम का सिक्रीशन ओवरी से होता है 14th डे पे। लेकिन ये तो ओवरी की कहानी है, हमारा यूट्रस क्या करता है, यूट्रस मीन्स बच्चादानी क्या करता है, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अगर वो ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज होके जायगोट बनाता है या प्रेगनेंसी होती है तो उसकी वो तैयारी करता है। कैसे तैयारी करता है, यूट्रस ऐसे आप समझ लीजिए ऐसे है, उसके अंदर एक कैविटी होती है, तो उस कैविटी का जो लाइनिंग होता है, सबसे अंदर वाला लाइनिंग, उसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं। उस लाइनिंग में ब्लड वेसल्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो लाइनिंग इंडोमेट्रियल थिकनेस होने लगता है, एक गद्दीदार मोटा सा इंडोमेट्रियम का लाइन तैयार हो जाता है। वो इसलिए कि बच्चे की आने की तैयारी शुरू करता है कि अगर फर्टिलाइज हो गया, जायगोट बन गया, बेबी आ गया, तो उसको कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, क्योंकि वो तो अगर कभी भी हो सकता है। तो 14th डे में यूट्रस का ये रिस्पॉन्स है, ओवरी का ये रिस्पॉन्स है। अब ओवरी ने अपना एक ओवम निकाल दिया, वो ओवम जब ओवरी होता है उसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब वहाँ से ओवम को कैच करके वो यूट्रस में ले आता है। 14th डे के बाद
14th डे में एस्ट्रोजन का पीक हुआ, उसके बाद अब एस्ट्रोजन घटना शुरू होता है और प्रोजेस्टेरोन बॉडी में बढ़ना शुरू होता है। दो हार्मोन है फीमेल के बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ई एंड पी, ई फॉर एस्ट्रोजन, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन की कहानी शुरू होती है। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन बॉडी में बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे वो जो ओवम है वो वेट करता रहता है स्पर्म का, लेकिन इसका मैक्सिमम वेट का पीरियड 18 टू 24 आवर्स ही हो सकता है। अगर इस बीच इसको स्पर्म मिल गया तब तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा और ऑलरेडी बच्चादानी ने अपने तैयार कर लिया है इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो बेबी का ग्रोथ होना शुरू होगा। लेकिन नॉर्मली जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो ओवम प्रोजेस्टेरोन के पीक जाने पे, जो 28 डेज में प्रोजेस्टेरोन का पीक जाता है, तो वहाँ पे वो ओवम बॉडी से और साथ ही साथ यूट्रस में जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग तैयार हुई है मोटी सी ब्लड वेसल्स के साथ, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो ब्लड वहाँ से निकलने लगता है। उसके साथ में वो जो ब्लड होते हैं जिसको हम लोग वीपिंग इंडोमेट्रियम भी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे कि इंडोमेट्रियम रो रहा है क्योंकि उसने तो तैयारी कर रखी थी, फिर वो वीपिंग इंडोमेट्रियम में जो ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होकर वो बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं और फिर से साइकिल 1, 2, 3, 4, 5 डेज की स्टार्ट हो जाती है। तो ये टोटल एक रिदम है, लेकिन इस रिदम में कभी भी कोई डिस्टर्बेंस हो, या तो आपका फ्लो ज़्यादा या कम हो, या फिर आपकी साइकिल का ड्यूरेशन ज़्यादा या कम हो, 35 डेज से ज़्यादा हो गया, या महीने में 2 बार ब्लीडिंग हो रही है तो भी, या बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। लेकिन अब सवाल है कि ये तो नॉर्मल है, पर क्या ये नॉर्मल सबों के साथ हो सकता है? ज़्यादातर केसेस में तो नॉर्मल साइकिल चलती है, पर अगर आपकी साइकिल नॉर्मल ना हो, आप कभी कोई पीरियड मिस कर गए और आपने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, तो आपको उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने इंटरकोर्स नहीं किया तो प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो क्या रीज़न होंगे जब हमने पीरियड मिस कर दिया? उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। नंबर 1, स्ट्रेस। जब आप बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन आपको हो रखी है, तो आपके बॉडी में पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिन हार्मोन निकलता है और वो एस्ट्रोजन को सप्रेस कर देता है। अब तो एस्ट्रोजन जब जैसे ही सप्रेस होगा, मैंने कहा था ना, फर्स्ट जैसे एस्ट्रोजन बढ़ते बढ़ते 14 डेज तक पीक होता है, वहाँ पे वो ओवुलेशन होता है, तो जब एस्ट्रोजन रहेगा ही नहीं तो ओवुलेशन ही नहीं होगा, और ओवुलेशन नहीं होगा तो फिर ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि यूट्रस फिर अपने आप को उस तरह से वीपिंग इंडोमेट्रियम तैयार नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने पे आपको पीरियड नहीं होंगे। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, इफ़ अ पर्सन इज डूइंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज, इन दैट केस ऑल्सो देयर विल बी मिसिंग पीरियड। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि अगर आपके खान पान में कोई कमी हो जाती है तो भी नहीं होगा। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जो सुपर मॉडल्स होते हैं उनका एक फिक्स होता है कि उनकी बॉडी वेट क्या होनी चाहिए, उनका बॉडी फिगर क्या होना चाहिए, उसके लिए वो लोग खाना बिल्कुल नहीं खाती, बहुत कम खाती हैं, पहले ऐसा ट्रेंड था, अब तो हालांकि कुछ डेथ रेट्स जब से उसमें बढ़े हैं तो अब लोग खाना शुरू कर दिए हैं और एक्सरसाइज और दूसरे तरीके से वेट कंट्रोल किया जा रहा है, पर पहले कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कुछ भी खाना नहीं होता था, बहुत कम खाती थी, बहुत कम, जीने के लिए जितना खाना हो, तो ऐसे केसेस में लड़कियाँ अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए खाना छोड़ देती हैं, तो इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। और एक और केस होता है इसी में जिसको कहते हैं बुलेमिया नर्वोसा, कि वो खाना तो छोड़ देती हैं लेकिन कभी किसी चीज़ को देख के अगर बहुत डिज़ायर हो जाता है तो वो खाना ज़्यादा कर लेती, बिंज ईटिंग करती हैं, एक ही बार बैठती हैं ज़्यादा खाना खा लेती हैं, उसके बाद क्या करती है, उनको लगता है मन तो भर गया लेकिन ये खाना मेरे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो फिंगर डाल के वॉमिट करती हैं और जितना खाना उनके स्टमक में है वो सारा खाना बाहर निकाल देती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बुलेमिया नर्वोसा। तो इन दोनों केसेस में, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलेमिया नर्वोसा, कि जो भी पेशेंट होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनमें भी पीरियड नहीं आते हैं, खाना बहुत कम कर देती हैं तो पीरियड आना बंद हो जाता है। तो स्ट्रेस हो गया, एक्सरसाइज हो गया, आपका खाना अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर एक बहुत बड़ा रीज़न है, आप बहुत तरह की मेडिसिन ले रही हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ले रही हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रही हैं, या फिर कोई कैंसर रिलेटेड मेडिसिन ले रही हैं, तो भी पीरियड नहीं आएगा। खाना बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा, फैट सेल्स भी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपका बॉडी वेट बढ़ेगा, तो भी आपके पीरियड्स में एब्सेंट पीरियड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा आप कहीं ट्रैवलिंग में हैं, ट्रैवलिंग में जाने अनजाने जो जर्क्स होता है उसकी वजह से भी पीरियड अगर नहीं आया है तो डिले हो जाता है, या किसी किसी केस में अर्ली भी आ जाता है। एक और है पेरीमेनोपॉजल स्टेज,
वो क्या होता है कि जब 45 के बाद महिलाएं पीरियड आना जिनमें बंद हो जाता है, तो बंद होने के पहले भी उनके पीरियड्स ऐसे ही इरेगुलर हो जाते हैं। 3 महीने में एक बार आएगा, 5 महीने में एक बार आएगा। इसका मतलब वो एक साइन होता है कि अब आप मेनोपॉज गेन करने वाले हैं। और मेनोपॉज में तो पता ही है कि जब आप मेनोपॉज के स्टेज में हैं तो डेफिनेटली आपको पीरियड नहीं आएंगे। तो ये सारे केसेस हैं जिसमें आपको पीरियड्स नहीं आते हैं। अगर आपके पीरियड 2 महीने में एक बार आए या मैक्सिमम 3 महीने में एक बार आए, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो आप प्लीज़ आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उन्हें अपनी सारी जितनी मैंने लिस्ट बताई है, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, क्या क्या खाना खाते हैं, पहले आपकी हैबिट क्या थी, अब आपकी हैबिट क्या है, कोई आप ऐसा ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों का एक लिस्ट बना कर जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपसे ये सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। आपको वहाँ पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पीरियड्स का इन सब चीज़ों से क्या रिलेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं ऐसे ही और भी वीडियो बनाऊंगी। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे वीडियो को देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि महिलाओं के शरीर में ओवरी कितनी होती है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।